हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज का जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर स्कूल से आई थी वापस, तो कुछ खाने का ऐसे मन सा कर रहा था तो सोचा कि चलो पकोड़े बनाए हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं तो जब से बिजी हुई हूँ पकौड़े बनाए नहीं, तो सोचा कि चलो। तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि मैंने बर्तन ले लिया था छोटा, तो ये जो बेसन छानने में ना मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि आसपास गिर जाएगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बेसन छानने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। छन्नी में एक गिलास में लीजिए बेसन जितना आपको चाहिए, वो छन्नी में आप ऐसे करके छान सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। इससे बिल्कुल भी बेसन जो है, या कोई भी बेसन या आप आटा ले रहे हैं, कुछ भी जो भी आपने छानना हो आप छान सकते हैं, बड़े अच्छे से छन जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे किसी भी वजह से तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसमें फिर मैंने आलू डाल दिए हैं और प्याज डाल दिए हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी अपने, हाँ हरी मिर्च भी थोड़ी सी डालूंगी, बाकी मसाला और हल्दी, बस सिंपल से पकौड़े हैं। अगर आप यहाँ पे अभी सीज़न ये है ना, इस सीज़न में कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे कि अगर सर्दी हो ना तो धनिया भी मिल जाता है इसमें डालने के लिए, पालक भी मिल जाती है, और भी बहुत कुछ होता है इसमें डालने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ अवेलेबल है आलू और प्याज, उसके मैं बनाऊंगी बढ़िया से। तो बढ़िया से बन गए थे और हमारा जो दिन बन गया था, बच्चों ने बनाए बहुत अच्छे लगे। तो उसके बाद फिर ये देखिए मेरा तैयार है, अब मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी, हाँ मैं हमेशा छोटे छोटे से जो है पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि बड़े से है ना जो होते, बड़े बड़े होते हैं ना, अगर आप इसमें वो होता है क्या बोलते हैं उसको, एक पाउडर होता है ना, हाँ अगर आप बेकिंग सोडा आपको मिल जाए वो डालेंगे तो थोड़े क्रिस्पी बन जाएंगे। चावल का आटा, चावल का जो होता है ना आटा, वो भी अगर आप यूज़ करेंगे तो भी क्रिस्पी बनेंगे, थोड़ा सा ही यूज़ करना है, ठीक है। तो छोटे छोटे बनाऊंगी क्योंकि फिर अच्छे से हो जाएंगे। ऑयल मैंने, आप देख रहे हैं कितनी कंजूसी से ऑयल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, क्योंकि वो जला हुआ जो तेल है ना वो फिर कोई यूज़ नहीं करता है, वो मैं भी ज़्यादातर नहीं यूज़ करती, क्योंकि हस्बैंड भी फिर गुस्सा होते हैं कि ये जला हुआ तेल, इससे सब्ज़ी नहीं बनानी है। तो अभी मैंने लिया ही ऑयल उतना है, थोड़ा सा ऑयल लिया है कि जितना पकौड़े बन जाएंगे इतने में भी इजीली बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, और बाकी लेफ़्ट ओवर ऑयल कितना बचेगा, जितने में एक सब्ज़ी बन जाएगी। इस वजह से मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ या कोई भी ऐसी ऑयली सी चीज़ बनाती हूँ, फ्राई वाली, डीप फ्राई वाली, तो उसमें मैं ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम यूज़ करती हूँ। तो बस साइज़ छोटा मैंने इसलिए रखा है पकौड़ों का, क्योंकि अच्छे से पक जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है पकौड़े हैं ऊपर से तो बन जाते हैं, लेकिन बीच में से थोड़े से ऐसे हल्के क्या बोलते हैं उसको, गीले गीले से रहते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कच्चे हैं अंदर से, ऊपर से पक जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा होता था, तो इस वजह से मैं अभी छोटे छोटे पकौड़े बनाती हूँ साइज़ में। छोटे पकौड़ों का ये होता है कि ये अच्छे से पक जाते हैं अंदर बाहर से, फिर भी अगर आपको साइज़ थोड़ा बड़ा रखना पड़े तो आप क्या करें, आप धीमी आँच में पकाएं, जितना हो सके पहले धीमी आँच में पकाएं, बाद में क्रिस्पी करने के लिए आप इसको
तेज़ कर दें गैस को। तो दोस्तों अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी शाम का टाइम है और इस टाइम में मैंने चाय पहले बना के पी ली थी, तो फिर बाद में मन कर रहा था कि खाते हैं पकोड़े। तो बस दोस्तों उसके बाद कुछ ही दिनों में नेक्स्ट डे था इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे तो वैसे 15 तारीख को था, ये 13 तारीख का ब्लॉग है। तो नूर के स्कूल से ना मैसेज आया था काफ़ी लेट कि फ्लैग लेके आने हैं, तो मार्केट हमारे यहाँ पे है नहीं, मार्केट हमें जाना पड़ता है फतेहगढ़ चूड़ियाँ, तो वो दूर पड़ जाता है। तो फिर मैंने नूर को घर पे ही फ्लैग बना के दिया। तो ये फिर अभी शाम का टाइम है, पकोड़े वकोड़े खा के खेलने के बाद युवराज और नूर ये देखिए क्या कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं तो वैसे काम कर रही थी अपना, तो मैंने देखा कि ये जनाब है ना पर ये पटका सा बना के, ये मेरी पगड़ी है तो बना के आया हुआ था। तो नूर बोल रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे बांधना, तो उसको वो सही कर रही थी। अब युवराज कह रहा है कि नहीं हाथ मत लगाओ मेरी पगड़ी को। तो ये दोनों खेल रहे हैं, शाम का टाइम है। अब बस थोड़ी देर बाद इसको होमवर्क करवा लूँगी नूर को, और शाम का टाइम ऑलमोस्ट डन है क्योंकि पकौड़े बन गए थे। तो बस ये देखिए अब बहुत शौक से अपनी वीडियो बनवा रहा है, ये देखिए शीशे में देख रहा है खुद को। और अब मैं आपको मिल रही हूँ रात को। रात को ये मैंने क्या किया कि पहले एक ड्राइंग का पेज लिया, ड्राइंग का पेज थोड़ा सा हार्ड होता है तो उस पर कलर चल जाएंगे। इसमें पहले मैंने फ्लैग सा बना दिया ड्राई कलर का, बना के जो इसकी स्टिक है वो अलग से मैंने जोड़ी थी इसमें, तो ये बन गया था। हाँ बट इसमें ये प्रॉब्लम हो गई कि एक जो कलरफुल पेपर्स आते हैं ना, जैसे कि जो कवर चढ़ाए होते हैं कलरफुल कवर चढ़ाए होते हैं, अगर मैं उसका बनाती ना तो ये जो फ्लैग है वो लहराता। लेकिन मैंने ड्राइंग पेपर का बनाया था तो ये लहराया नहीं, ये ऐसे ही एज इट इज़ जैसे था वैसे ही रहा। तो इसमें ये मेरे को जो है माइनस पॉइंट मिल गया, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा बना। और ये ऑरेंज कलर है ना, थोड़ा लाइट लग रहा है आपको फ़ोन में, ऐसे लाइट लग रहा है लेकिन ये है बहुत डार्क कलर। ग्रीन कलर भी मैं डार्क ही यूज़ कर रही हूँ लेकिन फ़ोन में ये थोड़ा सा लाइट ही दिख रहा है। और फ़ोन इस टाइम मैंने नूर को पकड़ाया है कि मैं बना रही हूँ तो तू क्लिप ले ले एक, तो वो साथ में होमवर्क कर रही थी, धीरे धीरे होमवर्क क्या कर रही थी, मेरी तरफ ही देख के जा रही थी कि क्या बना रही है। तो वैसे तो अभी वो अब मेरे को ये थोड़ा सा मिल गया है सुख की, अगर मैं उसको पकड़ाऊँ फ़ोन तो अच्छे से वीडियो शूट कर लेती है। लेकिन पहले एक बार की बात है कि मैं कुछ बना रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बना रही थी और ट्राईपॉड मेरे पास मतलब नज़दीक अवेलेबल नहीं था, कहीं रखा हुआ था दूरी। तो मैंने सोचा कि मैंने जितने में लेने जाऊँगी मैं नूर को पकड़ा देती हूँ फ़ोन। तो नूर ने क्या किया, जो चीज़ मैं शूट करना करवाना चाहती, जो चीज़ बना रही थी वो शूट नहीं की, आसपास की दीवारें और मेरे हाथ और ऐसे मेरे पैर सारे आसपास की चीज़ें शूट कर दी। तो उसने मेरी एक वीडियो का पूरी एक वीडियो का मेरा जो है कबाड़ा कर दिया था। तो हाँ तो फिर मेरे को याद आ, जब भी मैं उसको फ़ोन पकड़ाती हूँ तो मेरे को याद आ जाता है, लेकिन अभी वो बिल्कुल अच्छे से शूट कर लेती है। तो फिर फ्रंट साइड मैंने एक साइड बना ली है, दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही मैं ड्रॉ करके ऊपर बना दूंगी और उसमें कलर्स भर दूंगी और अपना अशोका चक्र जो है ब्लू कलर का बन जाएगा। बस ये बनाने के बाद फिर इस टाइम पे रात काफ़ी हो चुकी थी, सब जने फैमिली मेम्बर्स सो चुके हैं लेकिन मैं और बेटी जाग रहे थे ये चीज़ें करने के लिए। और साथ में नूर को मैंने बिठाया था काम करने के लिए, होमवर्क कर लेगी अपना। तो दोस्तों चैनल में नए हैं, अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी फेस्टिवल सीज़न आ गया है, जैसे कि तीज का तो चलो निकल ही गया, अभी फंक्शंस हो गए हैं उसके, तो वो जल्दी में वो भतीजा होने की खुशी में वो तीज का जो फंक्शन था वो मैं मिस कर दिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, मेरे स्कूल का भी और नूर के स्कूल का भी वो आपके साथ शेयर मैंने नहीं किया। नूर कैसे रेडी हुई थी वो भी नहीं मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अब नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है राखी का, तो राखी का फुल ब्लॉग आपको मिलेगा पूरा इंजॉयबल, और पूरी शॉपिंग से लेके वहाँ जाने तक का सफ़र सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और भतीजे की पहली राखी है तो देखते हैं कैसे जाएगी कैसी नहीं। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में,
और पिछले व्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जाके वो भी चेकआउट कीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी ये बना रही हूँ मैं, देखिए। तो बस यहाँ पे फिर मेरा फ्लैग बन चुका है और सीजर मेरे को मिली नहीं, सीजर मेरे पास थी वो कपड़े काटने वाली इतनी बड़ी, मैंने उससे सोचा कि थोड़ा उससे आड़ा टेढ़ा सा कट जाएगा, तो ये मेरे को ब्लेड मिला, ब्लेड साथ में रखा हुआ ना, देखिए ब्लेड से ही मैंने फिर ये कट कर लिया। और ये एक स्टिक ली, स्टिक के ऊपर मैंने, अच्छा अगर यहाँ पर मेरे को पाइप मिल जाती ना, जैसे वो होती है ना फ्रूटी वाली पाइप होते हैं, फ्रूटी वाली पाइप होती है, नूर बैठी हुई साथ में, उसने याद दिला दिया, फ्रूटी वाली पाइप या कोई भी ऐसी पाइप मिल जाती तो उससे बड़ा अच्छा बनना था। तो ये देखिए अब फ्लैग मेरा बन चुका है, इसको जैसे भी बनाया, ये मैंने स्टिक ली थी एक, उसके ऊपर मैंने पेपर लपेट दिया था, तो उसको मैंने बाकी का मैंने जो है जो फ्लैग बनाया था उसको उसकी शेप को कट करके मैंने जोड़ दिया है, तो ये फ्लैग बन गया। वैसे मैं आपको बता दूँ इतना एफर्ट करने की ज़रूरत है नहीं है वैसे, क्योंकि ये मार्केट से 10-20 रुपये में मिल जाता है, लेकिन बात ज़रूरत की और मौके की होती है। अंधेरे में, क्योंकि इनकी मैम का फ़ोन आया, मैसेज आया था स्कूल से, मैसेज आया था शाम को 7 बजे, तो 7 बजे कौन ही मार्केट में जाता, वो हस्बैंड भी हर टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते हैं हमारे पास, तो इस वजह से फिर मैंने एनी टाइम जैसे भी बने मेरे से मैंने बना दिया, क्योंकि खाली हाथ भेजने से अच्छा है कुछ ना कुछ उसको ले कर दे के भेज दूँ। वैसे इसको फ्लैग मिल गया था वहाँ पर, क्योंकि इसकी जो क्लास फेलो है वो मेरी रिलेटिव है, सिस्टर लगती हैं, तो उन्होंने भेज दिया था इनके लिए। तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ सुबह, और सुबह का टाइम है, सुबह बना रही थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी काटने में मेरे को इतना टाइम लग गया कि बाकी क्या मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पे लहसुन अदरक प्याज ले लिया है मैंने, अदरक हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अभी, तो ले लिया है, टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर वाली सब्ज़ी से वह ही वैसे ही बॉर्डर डरते हैं घर वाले, लेकिन टिफ़न्स में होती है ना सब्ज़ी, तो दोपहर को मैं, हम तो वैसे स्कूल में लंच टाइम होता है 11:15 बजे, मेरा तो 11:15 में होता है, लेकिन पिछले स्कूल में भी इतने टाइम में ही होता था, नूर का भी इतने टाइम में भी होता है, तो तब तक तो सब्ज़ी चल जाती है, अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड ने खानी होती थी 2-1:30 बजे 2 बजे लंच करना होता था, तो उनकी सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी हो जाती थी, तो इस वजह से मैं अभी टिफ़न की सब्ज़ी में टमाटर अवॉइड कर रही हूँ, टमाटर नहीं डालूँगी, ठीक है। वैसे हम खा लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मेरे घर वाले लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर बस मेरे हो चुके हैं सिंपली जो है सारा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन सा, तो इसमें मसाले डाल दूंगी, हल्दी मिर्च मसाला, मिर्ची जो है वो मैं सब्ज़ी में ही काट लेती हूँ, तो बस ये मेरी डाल दी मैंने सब्ज़ी। अब बस इतने में मैंने टाइम देखा, मैं सब्ज़ी बनाने में काटने में इतनी मगन हो गई कि टाइम हो चुका था, तो बस मैंने यहाँ पे शूटिंग बंद कर दी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।